हे गाइस, गलो इंडियन रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास देवी कीर्ति का एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने आरएसएस क्यों छोड़ा। तो चलते हैं, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघीय व्यक्ति था, कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता है, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। मतलब ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो नॉर्मल लगता था हमें। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ। जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले DU में, जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना, सो यू बिकम व्हाट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियाँ तो इंटरेक्शन से खत्म होती हैं, जैसे ही आपका परिचय होता है तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था, और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल अगले साल अयोध्या, और मैं आरएसएस की लॉबी से था। मैं मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा, मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक हमें। हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इसे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी JNU टाइप की। इस JNU का मतलब आज के लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए JNU का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आँख देता है, नज़रिया देता है, और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो। तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। मैं DU में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा लें कि देखें क्या लिखा है, संभोग से समाधि तक। मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी एक चीज होती है। हमने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं। तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है। फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से। तब बुक फेयर लगना शुरू ही हुआ था शायद, तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज़्यादा बुक्स थी। जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल से। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मज़ा ही अलग है, रूढ़ियों पर चलने का उतना मज़ा नहीं है। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र RSS के थे, मैं भी था, लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था। एक मन कहता था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोलता था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी में मार्क्स पाठ्यक्रम में था कार्ल मार्क्स, DU में डिबेटिंग सर्कल में एक मेरे मित्र थे वो मार्क्सिस्ट थे, पर तब तक मेरी नज़र में कम्युनिस्ट और कॉमनिस्ट एक ही बात थी। हमने स्कूल में ही सीख लिया था कि DU में मिलेंगे कम्युनिस्ट, वो कौन होते हैं, कॉम नष्ट होते हैं। तो मेरे मन में एकदम क्लियर था। जब पहली बार एक व्यक्ति मिला, किसी ने मुझे कान में बताया कि ये कम्युनिस्ट है, ध्यान रखना। मैंने कहा आदमी तो ठीक ही लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कम्युनिस्ट हो क्या? तो उसने बोला कि कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जानना चाह रहा हूँ, बहुत जिज्ञासा है मुझे। बोला हाँ हूँ।
तो मैं बड़े शक के साथ उससे बात करने लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा ज़रूर। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि वो भी बढ़िया इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो हमारे कॉलेज में तो बड़ा मज़ेदार माहौल था इलेक्शन के टाइम पे, कम्युनिस्ट विंग के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एबीवीपी भी बिना नाम के लड़ती थी, एबीवीपी के लोग कम्युनिस्ट ऑफिस में सोते थे रात को, खाना वहाँ आता था उनका, ये हमारे यहाँ खाना खाते थे, दिन में झगड़ा करते थे शाम के साथ बैठते थे, और ऐसी दोस्ती थी उनके साथ हमारी। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। फिर सोशियोलॉजी में ही जब फैमिली मैरिज के सिस्टम्स को समझा दुनिया भर का, स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, उसमें इंडियन कास्ट सिस्टम, बाकी जगह जो क्लास सिस्टम या स्टेटस ग्रुप सिस्टम है वो सब समझा, तो लगने लगा कि दुनिया सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। तो मैं जब भारत से बाहर जाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्डिंग्स या उन चीज़ों में नहीं होता है। जैसे वियना में गया तो मुख्य रूप से उस कैफे में 3 घंटे बैठ गया जहाँ सिगमंड फ्रॉयड कॉफ़ी पीता था जी, उस टेबल पे मैं 3 घंटे आराम से बैठा, तो वहाँ बैठना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा लगता है। कार्ल मार्क्स के घर में स्पेशली गया जर्मनी में, वो बहुत दूर पड़ता है, फ्रैंकफर्ट से करीब 200 किलोमीटर दूर है ट्रायर में, मैं घर में सबको साथ ले जाता हूँ कि चलो तुम भी देखो, सब सब एंजॉय भी करते हैं फाइनली। तो ट्रायर शहर में गए जहाँ वो पैदा हुआ, उस घर में मैं 5-6 घंटे रहा।